This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे आप लोग? Friends, आज मैं आपके लिए ट्रबल शूटिंग वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं सिखाऊंगा कि अगर आप प्रेशर लाइट का कोई भी वर्जन, वैसे मैं यहाँ पर 7.01 इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि आप प्रेशर लाइट का कोई भी वर्जन विंडोज 10 में, विंडोज 7 में, विंडोज 8 में इंस्टॉल करते हैं और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो 98-99% पर स्टक हो जाता है, तो उसका आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको एक बार सेटअप लगा के दिखा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीसी में भी आपके सामने ये वहीं पे जाकर स्टक होगा। ओके, तो आपने करना क्या है कि वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो मैंने सेटअप स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और इस पोर्शन को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे क्योंकि पहले मैं आपको एरर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो ये बात देख लीजिए, ये सी यूजर्स, उसके बाद यूजर नेम है और प्रेशर लाइट 7.0, ये पाथ है इंस्टॉलेशन का। ओके, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है बट ये यहां लास्ट में जाकर स्टक हो जाएगा और उसी चीज को हम लोग ट्रबल शूट करेंगे इस वीडियो में। बाकी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के फॉन्ट्स भी इंस्टॉल करके साथ में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा अनइंस्टॉल प्रेशर लाइट 7.0 ये वाला पोर्शन आ चुका है और यहां पर ये स्टक हो जाएगा। ओके, एक दो मिनट हम लोग वेट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को ट्रबल शूट करके इसे दिखाता हूं। ओके, तो ये हमारा स्टक हो चुका है यहां पर और हमें वेट करते हुए भी लगभग 1.25 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। अगर यहां से आप क्विट करें और ये ना हो तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट मेनू में जाके वहां पे टाइप करना है टास्क मैनेजर। यहां पर आपको जावा AW32 bit शो होगा, आपने इसे सिलेक्ट करके एम टास्क पर क्लिक कर देना। ओके, आपका सेटअप क्लोज हो जाएगा। अब फिर से हम लोग आएंगे वहां पर जहां पर आपकी सेटअप फाइल पड़ी है, आपने सेटअप फाइल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपने कंपैटिबिलिटी पर क्लिक करना है, फिर आपने रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबल मोड फॉर इस ऑप्शन को चेक कर लेना और यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे विंडोज XP सर्विस पैक 3। ओके, रन एज ए रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप सिलेक्ट करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कर लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए, फिर आप ओके पर क्लिक कीजिए। अब हम फिर से सेटअप रन करेंगे। तो हमारा सेटअप फिर से स्टार्ट हो चुका है। अभी आप वीडियो मत छोड़ के जाइए क्योंकि इसके बाद भी आपको एक सेटिंग करनी होगी जिसके थ्रू आप इसमें इसे हिंदी में रन कर पाएंगे, अदरवाइज आप हिंदी में रन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको हिंदी में फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं वो भी बताऊंगा आगे वीडियो में। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए पाथ चेंज हो चुका, पहले हमारा आ रहा था सी यूजर्स, फिर यूजर नेम, फिर प्रेशर लाइट 7.01, अब हमारा पाथ आ रहा है सी कॉलन जियो विजन फिर PL7। ओके, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। अब हम वेट करते हैं कि हमारा इंस्टॉल होता है या नहीं, वैसे 101% ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये एरर आएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट इंस्टॉलर की है, आप देखिए फॉन्ट इंस्टॉलर .exe की है, इसे ओके कर दीजिए। ओके, फॉन्ट इंस्टॉलर की दोबारा आ रही है, इसकी आपने बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है।
देखिए इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अब हम डन पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब हम फिर से सेटअप में जाएंगे और फॉन्ट्स वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहां पर जितने भी फॉन्ट दिए हुए हैं आप कंट्रोल ए की हेल्प से उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, चाहे आप राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर पर क्लिक कर लीजिए तो दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। अब ये एरियल फॉन्ट्स होता है हमारा, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं विंडोज में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आपको मैसेज शो हो रहा है कि एरियल नैरो बोल्ड फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, डू यू वांट टू रिप्लेस। तो हमने यहां पर टिक कर लेना है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स। ओके, नहीं तो ये आपको हर फॉन्ट के बारे में पूछेगा जो ऑलरेडी आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है। अब आप यस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, अब हम फिर चलते हैं वापस, प्रेशर लाइट को रन करके चेक करते हैं कि चला या नहीं, इंस्टॉलेशन हो चुकी है हमारी। ओके, यहां पर आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, आपने इंग्लिश में इसे रन करना है या हिंदी में, तो हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिए। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां न्यू पर क्लिक करेंगे और आप जो भी कुंडली बनाना चाहते हैं नाम दीजिए यहां पर। ठीक है, ये तो आपको सारे काम आते ही हैं। ठीक, मैं आपको डेमो पर्पस के लिए सिंपल एक अभी बना के दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुंडली बन चुकी है। अगर हम प्रिंट पर जाकर इसे प्रिंट करते हैं तो भी हमारा यहां पर प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास प्रिंटर नहीं है एक्चुअल में, इसलिए मैंने पीडीएफ सिलेक्ट कर लिया यहां पर। तो मैंने नेम देखे कुंडली का क्लिक कर दिया। अब यहां और आपको एक बार पीडीएफ चेक करवा देता हूं। तो ये देखिए हमारी कुंडली बन चुकी है। ओके, तो ये देखिए पीडीएफ में हमारी कुंडली बन चुकी है। ओके, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्रबल शूटिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।